हाय एवरीवन, मेरा नाम है राज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बहुत ही खूबसूरत सा एक 1 BHK का फ्लैट। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स 575 स्क्वायर फीट का 1 BHK का फ्लैट। सबसे पहले हमें मिल जाता है लिविंग, ये इसका सीलिंग। लिविंग का सामने एक आपको बालकनी देखने के लिए मिल जाएगा, 6x8 का विंडो रहेगा। आइए हम उसे भी देख लेते हैं। ये रहा फ्रेंड्स बालकनी। अगर मैं बालकनी के साइज़ की बात करूँ तो 3.5x9 फीट का आपको बालकनी देखने के लिए मिल जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। फ्लैट को देखने के बाद नीचे भी जाएंगे, एक बार बिल्डिंग को भी देख लेंगे। 3+4 बिल्डिंग है, लिफ्ट भी है इस बिल्डिंग पर। एक बार हम लिविंग को यहाँ से देख लेते हैं। इसका जो साइज़ है 9x12 का आपको लिविंग देखने के लिए मिल जाएगा। ये इसका सीलिंग 9x12 का रहेगा आपका लिविंग। अब हम देख लेते हैं किचन। इस तरफ है टॉयलेट और बाथरूम, चलिए पहले उसे ही देख लेते हैं। ये रहा फ्रेंड्स टॉयलेट, यहाँ पर आपको इंडियन देखने के लिए मिल जाएगा। पूरा वॉल में आपको टाइल्स रहेगा। इसका जो साइज़ है 4x3 का आपको टॉयलेट देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए भी जगह दिए गए हैं। इस तरफ है बाथरूम, ये रहा फ्रेंड्स बाथरूम, सेम डिज़ाइन, पूरा वॉल में टाइल्स रहेगा। इसका जो साइज़ है 7.5x4 का आपको बाथरूम देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं किचन, यहाँ पर भी आपको वाटर टैंक के लिए जगह दी गई है। इस तरफ है किचन, एक बार आप किचन का साइज़ देख लीजिए फ्रेंड्स। पूरा वॉल टू वॉल आपको टाइल्स देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर चारों तरफ आपको टाइल्स देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म, स्टील का सिंक, वेंटिलेशन के लिए आपको 4x4 का विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। पानी आपको यहाँ पर 24 आवर्स मिल जाएगा, ग्राम पंचायत कनेक्शन पीने का पानी रहेगा। इस तरफ आपको कोटमाला देखने के लिए मिल जाएगा, पूरा एल शेप में रहेगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, पूरा एल शेप में आपको कोटमाला देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्रिज के लिए पावर पॉइंट, यहाँ पर आप फ्रिज रख सकते हो। इसका जो साइज है 7.5x7.5 का आपको किचन देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं बेडरूम। ये रहा फ्रेंड्स बेडरूम का डोर, एक बार आप बेडरूम का साइज देख लीजिए। ये इसका सीलिंग, बेडरूम का सामने एक आपको बालकनी देखने के लिए मिल जाएगा। 6x8 का विंडो रहेगा, यहाँ पर भी आपको कोटमाला देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की तरफ देख लीजिए, बेडरूम का अंदर भी आपको कोटमाला रहेगा। इस तरफ है हमारा बालकनी, 2 फीट का आपको बालकनी देखने के लिए मिल जाएगा। अगेन G+4 बिल्डिंग है, लिफ्ट भी है इस बिल्डिंग पर। एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। सामने आपको माउंटेन व्यू देखने के लिए मिल जाएगा इस वाले फ्लैट से। सेकंड फ्लोर पे आपको मिल जाएगा और फोर्थ फ्लोर पे आपको 1 BHK फ्लैट हमारे पास अवेलेबल है अभी। एक बार हम बेडरूम को यहाँ से देख लेंगे। इसका जो साइज़ है 9.5x10 का आपको बेडरूम मिल जाता है। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इसका सीलिंग। बात कर लेते हैं लोन, 90% तक लोन हो जाएगा, सिर्फ 10% आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। अगर आपका पहला घर रहेगा इसमें आपको 2,67,000 का सब्सिडी भी मिल जाएगा।
ऑल बैंक लोन हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका जो नॉर्मल डाउन पेमेंट रहेगा 2 लाख का आसपास आपको नॉर्मल डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। एक बार यहाँ से देखते हुए जाएंगे, सामने की तरफ है किचन, इस तरफ है लिविंग। तो आइए अब हम चलते हैं नीचे और एक बार बिल्डिंग को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मैं आ चुका हूँ नीचे। ये रहा फ्रेंड्स हमारा बिल्डिंग, G+4 बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है ये नेरेल ईस्ट में है, स्टेशन से सिर्फ 1 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस में है ये बिल्डिंग। बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, सिर्फ 2 महीने में इस बिल्डिंग का आपको पोजेशन मिल जाएगा। बिल्डिंग का जो नाम है शिव अपार्टमेंट बिल्डिंग का नाम है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस। इसका जो प्राइस है 20 लाख विथ रजिस्ट्रेशन है। एरिया जो है 575 का आपको एरिया मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का मन में ये डाउट होगा 20 लाख बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। काफ़ी सारी बार मैं आपको दिखा चुका हूँ 17 लाख में 575 का एरिया, 580 का भी एरिया मैंने 17 लाख में आपको दिखाया है। बट ये नियर बाय स्टेशन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉस्टली पे करना पड़ेगा। स्टेशन 1 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस में है ये। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया, और भी जानकारी आप ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।